हेलो क्लास सेवन, दिस इज योर हिंदी व्याकरण क्लास, योर लेसन नंबर टू। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर हिंदी व्याकरण बुक। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर टू रीडिंग करेंगे, ओके? जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट दो है, वर्ण अक्षर विचार, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे फोनोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा है वर्ण अथवा अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे हमारा कोई अक्षर है, अ जमा में शर भी कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और हिंदी भाषा में 48 वर्ण ऐसे बताए गए हैं जिनकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे अ ई उ ए क ख ग इत्यादि, हमारे इस तरीके से आगे हमारे सारे वर्ण आएंगे, उन्हें उन्हें अक्षर ही कहा जाएगा और व्यंजन। ठीक है, जिस तरीके से हमारी परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी वर्ण की, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है, और उन्हें अक्षर का जो उच्चारित रूप ही वर्ण कहलाता है। जैसे जिस चीज का जिस तरीके से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, यानी जिसकी साउंड आ रही है। जैसे हमारा सबसे पहले है स्वर, ठीक है, और उसके बाद हमारे व्यंजन है। इन दोनों को मिला के हमारे टोटल वर्णमाला जो बनती है, इन सभी वर्णों को मिला के, जिसपे हमारे 43 यानी 43 वर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, मैंने स्वर की परिभाषा भी यहाँ नीचे रिटन है आपकी। सबसे पहले हम स्वर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, उनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें स्वर कहा जाता है। और जो गिनती में 11 होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, और स्वर के हमारे तीन भाग होते हैं। स्वर को भी किसमें, पहला ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है, और उसके बाद हमारा पल्लुत होता है। नाउ फर्स्ट हमारा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मीनिंग हमारा इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वॉवल्स, जिसके उच्चारण में समय कम लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये हमारे चार होते हैं, ठीक है, छोटा अ ई उ री, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स, जिनमें उच्चारण थोड़ा सा जो ह्रस्व है उससे डबल लगता है, दुगना समय उनके उच्चारण में लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, और ये हमारे, मैंने यहाँ सामने स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे कितने हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, 7 होते हैं ये। ठीक है, जैसे हमारा अ आ आ ई उ ए आई ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत में क्या होता है, जिनमें ह्रस्व और दीर्घ से भी तिगुना समय लगता है। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है क्या, उनको बुलाने संबोधन में प्रयोग इनको किया जाता है। ठीक है, और जैसे हमारे वर्तमान में प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा व्यंजन स्वर। तो हमने अभी रीडिंग कर लिया है, अब नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। ठीक है, नाउ व्यंजन है हमारा, व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 जमा में 2 35 व्यंजन होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अभी हम उनको आगे रीड करेंगे, ओके? जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, एंड थर्ड इज योर ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम रीडिंग करेंगे। तो व्हाट इज स्पर्श व्यंजन? जिन वर्णों को बोलने का जो बोलते समय जो है जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, उसे क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो हमारे कितने होते हैं, 33 जमा में 2 क से लेकर म तक, और इनको 3 वर्गों में भाग 5 वर्गों में भागा जाता है। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क वर्ग में ये आपके क ख ग ग, च ट वर्ग ये आपका त वर्ग, और प वर्ग आपका। ठीक है, और इनके अलावा जो हमारे 2 एक्स्ट्रा में आते हैं, वो ड और ढ के नीचे बिंदियों वाले वर्ड्स हमारे
इनको मिला के स्पर्श व्यंजन 35 मिला लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका सेकंड है अंतस्थ व्यंजन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेमी वॉवल्स। जो वर्ण व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे, च होते हैं, य र ल व, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के बोलने से गर्म हवा निकलती है, एक तरह से घर्षण होता है उनके बोलते, थोड़ा सा जोर लगता है हमें बोलने में, जो हमारे चार होते हैं। श शलगम वाला, श षटकोण है आपका, और स से सपेरा, ह से हाथी, ठीक है। और इसके बाद आपका मेल के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके, संयुक्त व्यंजन है और नेक्स्ट आपका द्वित्व व्यंजन। संयुक्त क्या होते हैं हमारे, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलने से एक अलग आपका संयुक्त व्यंजन बनता है, जैसे आपका श्र है, ठीक है। श और रे को मिलाने से आपका श्र वर्ड पूरा होता है, व्यंजन पूरा होता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अक्षय यानी क और श, ठीक है। और यज्ञ यानी ज और य को मिला के हमारा यज्ञ यानी पूरा होता है। और त्र आपका क्या है, त जमा में र, ठीक है। और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, एक ही अक्षर का दो बार प्रयोग होता है, एक आपका आधा और एक आपका पूरा व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे आपका त जमा में त इज इक्वल टू तत, जैसे पत्ते, ठीक है, पक्का, सच्चा, इस तरीके से आपके दो वर्ण एक साथ बोले जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। सबसे पहला आपका क्या है, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण है। और नेक्स्ट आपका क्या है, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या है, बोलते समय जो व्यंजन की वायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है, अल्प यानी कम, कमजोर हो गई, तो उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। सेकेंड है आपका महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा अधिक तथा तेज वेग से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर आपके दो भेद ही दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट है आपका अभ्यंतर प्रयत्न है, वर्णों के बोलने से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है उन शब्दों को बोलने के लिए, जिन उनको अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और जिनके उच्चारण में बाह्य यानी बाहर से प्रयत्न लगाया जाता है उन्हें कहा जाता है बाह्य प्रयत्न, ओके। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमारा क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, इसका उच्चारण म अथवा न के समान होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अंग की बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। उसमें आप अंगूर और मूंग, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, विसर्ग। इसके उच्चारण में ह के समान होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, दो बिंदियां आपको दिखाई दे रही, एक ऊपर और एक नीचे। और जिसे जैसे बोला जाता है हम दुख, प्रातः काल, ह की साउंड आती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चंद्रबिंदु, जिस स्वर का उच्चारण मुख तथा नाक दोनों से होता है, जिसके लिए हम चंद्रबिंदु का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आंख, आत, चांद और दांत, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हलंत होता है। हलंत क्या होता है, जब भी हमारा कोई स्वर जो व्यंजन होता है आधा होता है, स्वरहीन, यानी उसके साथ कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेढ़ी रेखा खींच के हलंत लगा देते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारा व्यंजन जो है अधूरा है, आधा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी हम हमारे जो मुंह के अंदर से जो आवाज, घर्षण भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई कंठ से बोली जाती हैं, कोई तालू से, तालवे पे टच होके
उच्चारण स्थान वहां से और वो वर्ण कौन कौन से किस तरीके से बोले जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक्स और आपको ये साथ में लर्न भी होना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारा कंठ में आपके वर्ण दिए हुए हैं क वर के और ह अ आ, और इनका वर्ण का उच्चारण स्थान भी आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे इनको. ठीक है, और साथ में आपको लर्न भी होना चाहिए ये. ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक व्यंजन और स्वर का मेल. अब इनके मिलने पर क्या होता है कि स्वर वर्ण अपना रूप बदल लेते हैं और इस बदले रूप को क्या बोला जाता है, मात्रा बोला जाता है. ठीक है, जैसे आपको सामने नीचे दिखाई दे रहा है स्वर है यहाँ पे आपके नीचे सारे, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन में क्या है, मात्रा चिन्ह, और उसके सामने है आपका मात्रा संयुक्त रूप. जैसे क जमा में अ मिलने के बाद वो क अक्षर पूरा होता है तो उसके नीचे से हलन हट जाती है. ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही क जमा अ का की कू कू क्र के कई और को. ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद करेंगे. जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पीछे हमने मात्राएं कंप्लीट की थी, अब यहाँ जैसे क जमा में औ काऊ हो गया, क जमा में अंग अंग कंग हो गया, और कह और कंगह. ठीक है, और इसके नीचे आपके ये आपने क्या सीखा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए. आप इसको दोबारा रीडिंग करेंगे और इसके बाद आपका अभ्यास है. यहाँ पे आपके ये चार प्रश्न उत्तर हैं और आपका फिफ्थ क्वेश्चन में है अंतर बताना है. मैं आपको शो करती हूँ आंसर्स. ठीक है, आप इनको कंप्लीट करेंगे आंसर की से यहाँ से. जैसे आपके यहाँ सामने मैंने प्रश्न एक का उत्तर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और पांचवे के आपके यहाँ अंतर भी आपको दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ से आप इनको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके कुछ अंतर जो रह गए थे पीछे बैक साइड में, ये आप क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, यहाँ से आप इसे कंप्लीट करेंगे और प्रश्न 6, 7 और 8 यहाँ पे आप इनको भी फिनिश करेंगे, यहाँ से नोट करेंगे. ओके, और ये आपका लास्ट है स्थान लिखेंगे. आपके ये वर्ण दे रखे हैं नीचे और उसके ये उच्चारण स्थान आपको लिखने हैं कि ई हमारे कौन से हिस्से से तालवे से निकल के बाहर आता है, और री हमारा मूर्धन्य से, और क कंठ यानी गले से, प हमारे देखिए जब पा का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ आपस में मिलते हैं ओष्ठ, और ट में आपका मूर्धन्य से देखो आपकी जीभ कैसे नीचे टच होके ऊपर की तरफ आती है. इस तरीके से आपको इन सब का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए. ठीक है, और आप यहाँ तक का ये लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, टेक केयर बेटा.